तो भाई लोगों को सेकंड वीडियो आ गई हमारी केलोंग में। हाय गाइस, नाउ वी आर इन केलोंग। अभी हम अपने दोस्त के रेस्टोरेंट की मेस किचन में बैठे हुए हैं और यही है तंदूर। छोटा सा तंदूर बना रखा है भाई ने बहुत अच्छे से, मतलब किचन में काम भी चल रहा है और बढ़िया से इधर किचन में खाना ही बन रहा है। किचन की आपको बैक साइड व्यू दिखाते हैं। अभी हम आपको बैक दिखाते हैं क्या चल रहा है किचन में इस वक्त। ये जो अभी देखिए बना रहे हैं, ये हमारे मास्टर शेफ हैं यहाँ के। ये हमारे मास्टर शेफ यहाँ के, क्या है भाई जी आपका नाम? हेलो बोलो हमारे फ्रेंड्स को। तो ये देखो केलोंग में काफ़ी दूर आए हैं यहाँ पे और काफ़ी टाइम से यहाँ पे खाना बना रहे हो, बहुत डिलीशियस खाना बनाते हैं। तो देखते हैं आपको दिखाएंगे कैसा बनाते भी हैं अभी ये। तो बहुत बढ़िया। तो क्या ठंड लगती होनी बहुत यहाँ पे? नहीं, बर्फ ही बर्फ है, मुश्किल है जीना ना, क्या करना, पापी पेट का सवाल है है ना। चलो जी चलो, मुश्किल है, चलो क्या करना। चलो देखते हैं अभी मटन बनाएंगे। हमारे फ्रेंड साहब अभी सर्व करने गए हैं भाई साहब। देखो भाई साहब, आप हमारे ये मित्र हैं किशोर भाई। हेलो गाइस, देख रहे हैं स्मार्ट से गाय जो हमारे हैं और साथ में वैभव। ये छिल रहे लहसुन नाच बन रहा है मटन, जो आया है मॉल से, आपको दिखाया था वहाँ से आया मटन और अब ये केलोंग में बनेगा, केलोंग के स्टाइल में मटन। तो भाई जी क्या क्या पड़ेगा इसमें, क्या क्या बनेगा, क्या क्या कैसे कैसे बनेगा? गार्लिक छिल रहे हैं, इसको अच्छे से छिल के चॉप करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करेंगे। मतलब बढ़िया बनने वाला काम है। गाइस, मटन तो स्पेशल है ही है, वो लोकेशन भी बहुत स्पेशल है ये केलोंग, और हमारा काफ़ी टाइम बाद मिलना हुआ फ्रेंड के साथ। तो अभी रात को मटन के साथ कुछ माहौल गर्म करना पड़ेगा। सही बात, हमने आपको दिखाया बर्फ पड़ी है, स्नोफॉल हो चुका है, तो ये सब जरूरी है यहाँ के माहौल से। सही बात है। कैसे कैसे भाई साहब बनाते हैं? भाई साहब प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, भाई साहब अब उतर गए हैं मैदान में। देखो भाई साहब ने कुकर चाहिए लाल वाला, रेड कलर। हाँ, इसी हमारे पास थोड़े थोड़े मसाले और ये देखिए मटन है जो हम लोग लेके आए थे मॉल से, कितना बढ़िया देखिए। और इसमें डाल दिए भाई साहब ने अब मसाले, खड़े मसाले, पूरे मसाले नहीं है बट चलो जितने भी हैं केलोंग में अवेलेबल भाई साहब ने बढ़िया डाल दिए। तो हमारे भाई सब बैठे हैं, ठंड में इनकी हालत खराब हो रही है। अभी टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री, 4 डिग्री टेम्परेचर है अभी यहाँ पे। 7 बजे का टाइम हुआ है। ये हमने डाल दिया जीरा और शुगर, जीरा उसको थोड़ा सा वो करके और धनिया को हमने साबुत है ना, साबुत को डाल दिया है। तो भाई साहब आप लोगों को अगर सच में यहाँ पे रहना है, एंजॉय करना है, तो ये है नलवा गेस्ट हाउस करके केलोंग में, बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ के ओनर देखिए कितने अच्छे हैं, खुद खाना बना के खिलाते हैं। बताइए भाई साहब आप कब से हैं यहाँ पे? और बड़ी बात है ये बेसिकली इंजीनियर, चीज़ सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कैन यू इमेजिन। भाई देखिए बिजनेस में कितना बढ़िया काम कर रहे हैं इन्होंने। देखो केलोंग में कैसी किचन बनाई है, देखो बिल्कुल हाईटेक सब कुछ, देखो उन्होंने रखा है यहाँ पे डीप फ्रीज़र, फिर तंदूर भी देखिए सब रखा है इन्होंने, बहुत बढ़िया। इनके शेफ भी बहुत दूर से आए हैं, ये पानीपत अमृतसर में काम किया है इन्होंने, राजस्थान जयपुर में। और देखिए अब अपनी सर्विसेज जो हैं जयपुर में, जयपुर से सीधे उदयपुर के पास केलोंग के पास आ गए हैं। तो अब ये साबुत डाल देंगे लहसुन विद छिलका, बाद में जब पक जाएगा मटन तब इसके जो कलिया है वो बहुत ही मतलब अच्छा टेस्ट देंगे, स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये नहीं टेस्ट है अच्छा, तो इसको पहले भूनना है टमाटर प्याज को, चाप जो चॉप लहसुन है वो डाल देते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है तो अंदर तो गर्मी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मतलब इसको पूरा ब्राउन होने तक इसको पकाना है हमने ना, बहुत बढ़िया। धीमी आंच में ज़्यादा नहीं, जल जाएगा।
तो भाई साहब अब इसमें सामान डालेंगे। ये देखिए भाई साहब कितना बढ़िया हो रहा है, मेरे को ये बड़ी अच्छी लगती है सेटअप जो होता है ना ये मसाले रखने का, गैंड पूरा ढाबे वाला ना, बहुत बढ़िया बहुत पुराना है। तो अब इसमें नमक चला गया एक चम्मच, डेढ़ चम्मच। ये माल कितना होगा हमारा, मटन कितना होगा ये? ये सर है डेढ़ किलो मटन में आपने डेढ़ चम्मच आपने डाला, ठीक है डाला। ये धनिया पाउडर, धनिया पाउडर बहुत बढ़िया, 2 चम्मच धनिया पाउडर, ये हल्का सा होगा, हल्का सा। और ये अपना हल्दी, टर्मरिक, ये टर्मरिक 1 चम्मच, ये भी 1.5 चम्मच डाल दिया। सो 1.5 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच धनिया पाउडर। डालेंगे मीट मसाला। ओके ये अंदाजे से डाल दूंगा मैं, कम से कम 1.5 चम्मच, 1.5 चम्मच डालना है। ओके मटन खाने से नहीं क्या? मटन खाने के लिए तो बोला है हमारा। अच्छा, लेकिन केलोंग में चलता है ठंड में, डाल दो सर। ये हमने टमाटर डाल, 3 कटे हुए टमाटर, बड़े टमाटर। ये प्याज कितने थे? प्याज थी सर ये भी 3 थे। ओके, बड़े मीडियम साइज, मीडियम 1.5 किलो बढ़िया। देखिए तो भाई साहब ये वहाँ पे गोल्ड जो रेस्टोरेंट था उसमें तंदूरी पराठे बनाते थे, और यहाँ पे तो अभी कुकर का ढक्कन बंद कर दो, हल्का सा प्रेशर दे सकते हैं। वाह यार, टमाटर गलाने के लिए देखिए सर, ये बिल्कुल गल चुका है बढ़िया से एकदम। देखिए बस अभी इसको थोड़ा और गलाना है, मेरा पानी और रानी। भाई साहब ने इंजीनियरिंग कहाँ से की है? मैंने की है सर LPU से। LPU, लवली जी। वाह, तो वहाँ गदर डाले थे भाई ने? और गदर की वजह से तो आज कट चला रहा है। ओ भाई साहब, और ये टोटल सब मटन जाएगा इसमें बढ़िया करके, इसको हम खाएंगे भी बढ़िया करके, कुल मिला के सब कुछ बढ़िया करके होने वाला है। जो बढ़िया ही होगा जी। मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये लो सर। बस हमने इसमें हल्का पानी डाल के, अगर ये बकरा है तो कम से कम 6 सीटी तो लगनी पड़ेगी, अगर ये भिड्डू है तो इसमें 3 सीटी लगेंगे, बट 3 में भी नहीं होता, धीमी आंच में कम से कम 5 सीटी। हल्का सा और पानी, बढ़िया से मस्त फ्लेवर देगा इसको। ये किस लिए हम डाल रहे हैं किशोर? ये फ्लेवर देगा इसको। अच्छा, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, पानी की बोतल आई उठाई थी उन्होंने। तो मॉर्निंग हो चुकी है और स्मार्ट से भाई बैठे हैं, ये किशोर के भाई हैं। देखिए हेलो बोल दो हमारे फ्रेंड्स को। और देखिए कितना बढ़िया व्यू है, पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है, सुबह का टाइम, सूरज आ गया है बिल्कुल। और भाई हमारे लिए बना के लें देसी लोकल सूप, इसमें देखिए आप बढ़िया मटन वाला सूप है, और साथ में लोकल चिल्ले बोलते हैं इसको, फर्मेंटेड है ना, बहुत बढ़िया। और भाई साहब देखो हमारे आ गए सुबह सुबह एक्शन में। चलो भाई अब हम एंजॉय करेंगे ब्रेकफास्ट। तो भाई जी कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा, देखा आपने भाई हमारा बना रोटियां बना रहा था। ऐसे कुक इसका छुट्टी पे, बट अभी जैसे फ्री करेगा फिर हम शाम को बैठेंगे। देखिए ये है व्यू, देखिए
ठीक है गाइज, ये होटल का लोकेशन और आपको डिटेल्स हम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। यहाँ पे रहने का भी है, होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, होटल भी है ऊपर एज वेल नीचे रेस्टोरेंट है, तो आप आए और यहाँ पे बनना है। यस, और होम डिलीवरी टू ले है, यहाँ से आगे बढ़ेगा सर चू फिर जिस्पा एंड बहुत सारी जगह है, सूरज ताल ले, बहुत सारी मैनी मोर। ओके गाइस, ओके।